बारे में आप? सर इससे जो है ये गांव ग्राम सभा के रोडे है और ये बना था सन 2014 में, पंडित सचिन राय त्रिपाठी विधायक थे उन्होंने बना, तब से चला सर, आज तक ये बना ही नहीं, बड़ी दुर्गत हो रही है गाँव वाले के आने जाने के लिए। इसका मतलब ये है कि जो जनता है सांसद जी को आधा वोट दे रही है, आधा काम कर रहे हैं भैया। नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर एक्सप्रेस न्यूज। आज हम आपको ये तस्वीर विकास की दिखाएंगे, आप सोचकर भी हैरान हो जाएंगे। यह रोड जो देख रहे हैं ये बनारस को भी जोड़ने वाली है और आगे से जलालपुर को भी जोड़ देगी रास्ता, तो और जलालपुर वाली रोड जो है वो भी बनारस को ही जोड़ देगी। और ये रास्ता जो देख रहे हैं इधर दिखाइए, ये रास्ता जो है मणियाहों की तरफ से आ रहा है और यही कोने का रास्ता जो है गोसाईपुर का ये रास्ता है और इसके शायद ये बॉर्डर एरिया है नवापुर का, शायद ये यहाँ पर कोने पर लग रखा है नवापुर का, शायद ये एरिया है नवापुर का बॉर्डर एरिया। और ये रास्ता जो है गोसाईपुर इटाएँ बाज़ार के पास का यह दृश्य है, वो आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और देखिए किस तरीके से हमारे सांसद विधायक काम करते हैं, वह हम आपको खुली आंखों से दिखाने का प्रयास करेंगे और सांसद विधायकों के आंखों का जो चश्मा है उसकी साइज भी बढ़वाने का हम प्रयास करेंगे। इस चीज़ को आप लोग देखने का प्रयास करिएगा किस तरीके से आपके यहाँ के सांसद और विधायक काम करते हैं। ठीक है, आज इतने साल से सरकारें बीजेपी की रही हैं उसकी हालात भी आप देख सकते हैं और सपा बसपा कितनी सरकारें आती जाती रहती हैं। हमें सरकारों से मतलब नहीं है, मतलब सिर्फ है जो ठेकेदारों को देते हैं काम, तरीके से वो करते नहीं हैं, इस रोड को कायदे से बनाते नहीं। और यह रोड की स्थिति आप देख सकते हैं किस तरीके से ये ख़राब है, काफ़ी शायद काफ़ी दिन हो चुका है यहाँ का रोड। और जहाँ तक आपकी नज़र जा रही होगी वहाँ तक आप दूर दूर तक देख सकते हैं पूरा रोड यहाँ पर ख़राब है। शायद इस तरफ कोल्ड स्टोर है कोई, यहाँ पर देख सकते हैं ग्राम पंचायत शायद नवापुर वो लिख रहा है ग्राम पंचायत नवापुर के। और ये रोड आपको बता दें PWD के अंतर्गत आने वाली है, ये रोडें PWD के अंतर्गत आने वाली है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कें आती हैं। और ये हमारे सांसद विधायक जी ऐसे काम करेंगे तो काम कैसे चलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और ऐसे ऐसे विकास करते हैं और इन विकास पुरुषों की बात करें तो इस तरीके से विकास करते हैं, विकास कहीं नज़र नहीं आता। बेशक घरों में विकास पैदा हो जाए उसका नामकरण एक दूसरे आज या कल या परसों जैसे मर्जी वैसे लोग रख दें, लेकिन ऐसे ही हमारे विकास उत्तर प्रदेश के जौनपुर ज़िले के इटाएँ बाज़ार है, ये इटाएँ बाज़ार है और नवापुर गांव का ये बॉर्डर है इस बगल में और ये गोसाईपुर का ये रास्ता है। और ये गोसाईपुर के लोगों का क्या हाल है, वो रास्ते में आते समय उनका हाल, अगर यहाँ पर पानी ज़्यादा होता होगा तो यहाँ जब यहाँ पर ज़रूर मिट्टी स्लिप करती होगी। क्या कह रहे हो? पैदल हाँ, और क्या, पैदल डोलने में दुर्गत हो रहा है, सबसे रोड खराब है। अरे बहुत हो गया, यही हो गया 2-3 साल, कोई बनते नहीं है, कोई सांसद विधायक नजर कोई नहीं, इधर तक बना करता है सांसद विधायक, प्रधान जी भी कोशिश नहीं करवाए सांसद विधायक जी से, क्या करें, प्रधान सूचना तो देंगे कम से कम, 15 में परेशान बांध का सूचना तो देंगे भाई, सांसद विधायक बनाएंगे कोई बात नहीं है कि नहीं, प्रधान लोग क्या बनाएंगे। तो इस रोड से प्रॉब्लम हो रही कि नहीं समझ? प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है, देखिए आप ही प्रॉब्लम। हम इधर से गुजर रहे थे फिर वापस घूम के आए हैं, भला मैं कहा कम से कम दिखा दूं, 2-5 मिनट लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा दिखाने के लिए, है कि नहीं? और इससे समस्या हो रही है कि नहीं? समस्या तो हो रही, बनना चाहिए ना, बनना चाहिए। सांसद विधायक जी को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे कि बनने के लिए? बनने के लिए क्या हम बोले, क्या बोले, बनने के लिए बोलेंगे कि बनवा दे जल्दी से। हाँ वही और को बनवा दे उसको, गांव का रोड है अच्छा हो जाएगा। हाँ क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? सर इससे जो है ये गांव ग्राम सभा के रोडे है और ये बना था सन 2014 में, पंडित सचिन राय त्रिपाठी विधायक थे उन्होंने बना, तब से चला सर, आज तक ये बना ही नहीं, बड़ी दुर्गत हो रही है गाँव वाले के आने जाने के लिए, बहुत समस्या हो रही है, इतना ज़्यादा खांच हो जा रही है कि गाड़ी फंस जा रही, तो बीच में वो गई है तार तो उसमें गाड़ी धस रही है तो, लेकिन सर सांसद विधायक सुन ही नहीं रहे हैं। ये गोसाईपुर का है, गोसाईपुर का मामला है जी जी, अंतर्गत आने वाला इटा 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 विधानसभा जफराबाद, विधानसभा हाँ विधानसभा जफराबाद। और ये प्राथमिक विद्यालय गोसाईपुर से भी जुड़ा है, हाँ ये है सब अच्छा जी जी।
तो यहाँ पर देख सकते क्या कर रहे थे चाचा? आधा बना हुआ है गोसाईपुर विद्यालय से गांव तक, एक बाद इधर संपर्क मार्ग में मिलता है ना बटाई जोन हाईवे पर। इसका मतलब ये है कि जो जनता है सांसद जी को आधा वोट दे रही है। आधा काम कर रहे हैं भैया, तो सांसद जी विधायक जी आपको शायद हमारी भाषाएं बुरी लग सकती हैं। हमारे वरिष्ठ पत्रकार कुछ जाते हैं आपसे सवाल करने के लिए तो आप बताने कुछ और इधर उधर बताने लगते हैं, ये समस्या आए आपकी और वो पूछना भी नहीं चाहते, अब क्या बताएं उनके बारे में। और लेकिन एक बात ये सूचित करना चाहता हूँ, वो जौनपुर क्षेत्र के इटाएँ बाजार के जफराबाद विधानसभा लगता है, इटाएँ बाजार है ये, इटाएँ बाजार के गोसाईपुर और नवापुर ये बॉर्डर लग रहा है, नवापुर शायद ग्राम पंचायत है। हाँ, और ये आपको बता दें कि इसका कार्य जो निर्माण बता रहे हैं कर रहे हैं उस तरफ हो चुका, उधर भी हुआ होगा तो गड़बड़ हुआ होगा, कभी तरीके नहीं बना, वहाँ भी गड़बड़ हो गया होगा अंदाजा हम बता रहे हैं जहाँ से। स्कूल प्राथमिक विद्यालय तो गड़बड़ ही है। अच्छा, तो बता रहे हैं जो गोसाईपुर का प्राथमिक विद्यालय है वो प्राथमिक विद्यालय भी वहाँ का ये मार्ग जो है पूरी तरीके से गड़बड़ है, जिससे बच्चों को आने जाने में भी तकलीफ होगी। बच्चे जो हैं आने जाने उनको लोग आते जाते हैं, मिट्टी मैंने देखा तो वहाँ पर लोग फिसलन है और एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और उसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा? तो निवेदन है आप सभी लोगों से, पब्लिकों से, और इस वीडियो को आगे तक पहुंचाने का कोशिश करें। फिलहाल ये नेताजी तक हम डायरेक्ट इसको सूचना टैग करके पहुंचाने का प्रयास करेंगे, आप लोग भी कोशिश करिए इसको आगे तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल यह उत्तर प्रदेश के जौनपुर ज़िले के गोसाईपुर क्षेत्र का यह तस्वीर था, हमने दिखाया आपको, प्रयास करने की कोशिश किया। फिलहाल यह प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल मित्रों मिलते हैं किसी और मुद्दे के साथ और किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।